छलिया विराटता का दूसरा नाम भगवान कृष्ण है। छलिया इतने हैं कि कब चित्त चुरा लें पता ही नहीं, इसलिए इनका एक नाम है चित्त चोर, क्योंकि हमेशा चित्त की चोरी करते हैं। नटखट इतने हैं कि आज भी वृंदावन के बड़े बड़े रसकों के साथ, महापुरुषों के साथ, संतों के साथ, अनेक अनेक भक्तों के साथ, आसपास देश में विदेश में रहने वाले लीलाएं करते ही रहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना, पन्ना जिले में एक स्थान है श्री जुगल किशोर मंदिर, वहां आज भी दो तीन साल में ठाकुर जी एक ना एक लीला करते हैं। आज भी अभी विगत तीन साल पहले ठाकुर जी ने क्या लीला की वहां पन्ना में, पन्ना के जुगल किशोर में मंदिर से निकलकर छोटे छोटे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने आ गए थे। और सुनो, गिल्ली डंडा तो खेले, गिल्ली डंडा खेलते खेलते एक बच्चे से लड़ाई हो गई तो अपना कुर्ता फड़वा लिया, और लड़ाई ज्यादा हो गई सोई भीतर मंदिर में प्रवेश करके घुस गए। बाद में शाम को जब पुजारी जी ने देखा कि हमने दिन में पट बंद करके एकदम अच्छा कपड़ा पहनाया था, अच्छा कुर्ता पहनाया था, ये सरकार तुम फाड़ कहां से आए, चूहा है नहीं है, ब्लेड है नहीं है, हम दोबारा आए नहीं है, ये कुर्ता कहां से फट गया। जब बाद में पुजारी जी शाम को रात को सोचते सोचते चिंता में पड़ गए, रात को जब निकले तो जिस बच्चे से लड़ाई हुई थी, जिसने कुर्ता फाड़ा था, वो फाड़ा हुआ कपड़ा अपने हाथ में लिए घूम रहा था रूमाल बना के। तो पूछा, ये तुम्हारे पास कहां से आया, क्या तू अंदर गया मंदिर में। अरे पुजारी जी, मैं कहां जाऊं अंदर में, मैं ना आएगा मंदिर में। पर ये कहां से आएगा तेरे पास कपड़ा। अरे कपड़ा ना आओ, एक ठैया खेलने को आओ तो कारो कारो सो सांभरो सांभरो सो वो मुंह पे लड़ पड़ो, मैंने बाको झगड़ दो तो बाको कुर्ता फटके आएगा हाथ में। ये हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी लीलाएं हैं। विराटता का नाम, नटखटता का नाम कन्हैया है, चित्त चोर का नाम कन्हैया, चित्त की चोरी करें, कब चित्त का हरण कर लें कोई ठिकाना नहीं।